आपको पता है इस दुनिया में सबसे खुशकिस्मत इंसान कौन है, ये आप जानना चाहते हो, और आप भी चाहते हो कि हम भी हमेशा खुश रहे, अपने सारे काम खुशी खुशी से करें, और ये खुशी कैसे मिलती है, तो आप जान जाएंगे इस कहानी से। जो आज कहानी आपको बताने वाली हूँ उसको सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि खुशी किस तरीके से पाई जा सकती है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। तो होता क्या है, एक भिखारी होता है और वो एक दरवाजे को खड़खड़ाता है जैसे भिक्षा मांगने के लिए, और दरवाजा थोड़ा सा खुला होता है, वो दिखता है अंदर एक किसान आता है। किसान अपने जूते निकाल रहा होता है, हाथ पैर धोने के लिए तैयार होता है, क्योंकि उसकी पत्नी खाना बना रही थी। तो पत्नी कहती है हाथ धो लीजिए जल्दी से, खाना खा लीजिए नहीं तो ठंडा हो जाएगा। बच्चे एकदम से आके किसान को लिपट जाते हैं, पापा पापा करने लगते हैं। अब किसान क्या करता है, जूते निकाल के हाथ पैर धोता है और आसन के ऊपर बैठ जाता है, पत्नी खाना परोसने लगती है। भिखारी ने सोचा शायद मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया होगा, वो फिर से दरवाजा खड़खड़ाता है और भिक्षा मांगने लगता है। अब उसकी पत्नी को सुनता है और वो अनाज लेकर आ जाती है और भिखारी को दे देती है। अब भिखारी जो है चलता है अगले घर की तरफ बढ़ जाता है, और रास्ते में सोच रहा होता है कि किसान देखो कितना खुश इंसान है, परिवार में कोई दिक्कत नहीं है, किसान खेती कर रहा है, पत्नी खाना बना रही है, बच्चे आकर लिपट रहे हैं और आराम से बैठ के खाना खा रहा है, इससे खुश इंसान और कौन हो सकता है। मुझे देखो मेरी कितनी बुरी किस्मत है, दिन भर मैं अनाज मांगता हूँ फिर जाके खाना बनाता हूँ, और कितने सारे मेरे लिए चिंताएं हैं, आज अनाज मिलेगा या नहीं मिलेगा, कहाँ कहाँ जाना है, दिन भर की ठोकरें खाता फिरता हूँ, सबसे बुरी किस्मत तो मेरी है। ऐसा सोचते सोचते भिखारी आगे बढ़ जाता है। अब किसान अपनी पत्नी से बातें करता है खाना खाते हुए कि बड़ी चिंता की बात है, पिछली फसल तो हमारी खराब चली गई थी, इतने पैसे हमें नहीं मिले, अगली फसल के लिए मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, तो अगर 500 रुपये मिल जाते तो अच्छा हो जाता है, अब मुझे सेठ के पास जाना पड़ेगा, पता नहीं सेठ पैसे देगा या नहीं देगा। अब पत्नी दिलासा देती है कि आप एक बार जाकर तो आइए, सेठ पैसे दे ही देंगे। तो किसान ऐसा ही करता है, सेठ के पास जाता है और जाकर बैठ जाता है और उनसे कहता है कि आप मुझे 500 रुपये दे दीजिए, मुझे बहुत जरूरत है। अब वो देखता है कि सेठ के आसपास हजारों रुपए का लेन देन चल रहा था, फोन आ रहे थे जा रहे थे, और 10,000 की ये बिल बन गया, 50,000 का ये सामान खरीदा है, इस तरह की बातें हो रही थी। अब सेठ से पैसे लेके जब किसान रास्ते में चलता है तो ये सोचता है कि हमारी जिंदगी में देखो पहले हमें फसल के लिए मेहनत करनी पड़ती है, अब मैं पैसे लेकर आया हूँ, फसल बोनी पड़ेगी, फिर फसल अच्छी होगी या नहीं होगी, उससे मुझे इतने पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे कि मैं सेठ का कर्ज भी चुका पाऊँ, कितनी चिंताएं हैं मेरी जिंदगी में। अब सेठ को देखो, कहा मैं 500 रुपये उधार लेकर आ रहा हूँ और सेठ की दुकान में 1,000 रुपये का लेन देन हो रहा है, कितना खुशकिस्मत इंसान है ये सेठ। तो ये सोचते सोचते किसान आगे बढ़ जाता है। अब जो सेठ था वो जिसकी दुकान में 1,000 का लेन देन चल रहा था, अब वो कहता है कि मुझे साहूकार के पास जाना पड़ेगा और लाखों का कपड़ा उठा कर लाना पड़ेगा। अब नौकर कहते हैं कितना पैसा तो नहीं है, हाँ 50,000 या 60,000 रुपये आप ये ले जा सकते हैं। वो कहते हैं ठीक है मैं कुछ पैसे उधार कर दूंगा लेकिन कपड़ा तो लेकर ही आना पड़ेगा। अब सेठ जो है शहर में चला जाता है साहूकार के पास और वहां जाके दुकान पर बैठ जाता है। वो देखता है कि वहां पे लाखों का लेन देन हो रहा है, तार आ रहे हैं और लाखों की बातचीत हो रही है। अब सेठ वहां पे बैठ के सोचने लगता है कि कहां मैं एक गांव का सेठ बन के बैठा हुआ, मैं सोचता हूँ कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ, लेकिन यहाँ पर देखो ये साहूकार कितना खुशकिस्मत है, लाखों की बातें होती, इसे तो कोई समस्या नहीं होगी पैसों को लेकर, हमें तो बस किसी तरीके से पैसे इकट्ठे करके कपड़ा खरीदने के लिए आना पड़ता है और वो सारा कम दाम में देना पड़ता है, नहीं तो गाँव के लोग खरीदेंगे नहीं, तो हमारी किस्मत तो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन साहूकार को देखो कितनी अच्छी किस्मत है, लाखों का लेन देन हो रहा है। अब जैसे ही वो सेठ कपड़ा लेके चला जाता है और उसके बाद जिस साहूकार की दुकान में वो कपड़ा लेने के लिए आता है, अचानक से उसके नौकर आते हैं और उसको बोलते हैं कि सर 10 लाख का घाटा हो चुका है, हमारी दूसरे शहर में जो मिल थी उसमें कपड़े का जो काम चल रहा था उसमें 10 लाख का घाटा हो गया है। अब जो साहूकार था थोड़ा चिंता भी उसको बहुत हो रही थी कि 10 लाख का घाटा हो गया, लेकिन दूसरा नौकर आकर बोलता है कि सर आपको राय बहादुर के यहाँ दावत में जाना है तो आप वहाँ के लिए तैयार हो जाइए। अब थोड़ी सी चिंता भी थी और वो चले जाते हैं दावत के लिए। अब वहां पर जाकर देखते हैं कि बड़े बड़े ऑफिसर, कलेक्टर, आईपीएस सब आए हुए थे, लाट साहब भी आए हुए थे और आराम से खाना पीना चल रहा था, खाना भी शानो शौकत से चल रहा था। अब वो साहूकार बैठकर सोचने लगे कि कहां हम कभी घाटा होता है कभी मुनाफा होता है, इस चक्कर में फंसे रहते हैं और सारा दिन हमारा दिमाग खराब रहता है, कितनी खराब किस्मत लेकर आए हैं। अब इनको देखो राय बहादुर साहब को, इनको कोई चिंता ही नहीं है, दिन भर व्यस्त रहते हैं, ये बड़ी बड़ी दावत करते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर से मिलते हैं, लाट साहब तो इनके यहाँ दावत पर आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, इनकी जिंदगी में तो किसी तरीके का गम नहीं होगा।
कभी भी कुछ भी करवा सकते हैं, क्योंकि बड़े बड़े लोग इनके आसपास रहते हैं। तो ये कितने खुशकिस्मत इंसान हैं, ऐसा सोचते हैं और दावत से वापस आ जाते हैं और चिंता में डूबे रहते हैं, जो घाटा हुआ उसकी भरपाई हम कैसे करेंगे। अब जो राय बहादुर साहब थे, जब उनकी दावत खत्म होती है, सब लोग अपने घर चले जाते हैं और वो लेट जाते हैं, सर में दर्द हो रहा होता है और लेट के अपने नौकर को बुलाते और कहते हैं मेरी टांगे दबा दो, मेरा सर दबा दो, सर बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है। अब धीरे धीरे वो सोचने लगते हैं कि क्या जिंदगी है हमारी भी, बड़े बड़े लोगों को यहाँ पर दावत पे बुलाना पड़ता है, फिर उनसे गुजारिश करनी पड़ती है कि ये काम करवा दो वो काम करवा दो। और अचानक से उनके पास एक फोन भी आता है कि आपको जो काम बोला गया था आपने किया कि नहीं किया। बड़े ऑफिसर का फोन आता है तो वो बोलते हैं कि नहीं, मैंने दावत पे उनको बुलाया था, लाट साहब को उनसे बातचीत करी है, देखते हैं आगे क्या होता है। और ऐसा फोन रखने के बाद वो चिंता में डूब जाते हैं। रोज रोज कितने काम करवाने पड़ते हैं, कभी लोगों को दावत पे बुलाना पड़ता है, चाय पिलानी पड़ती है, खाना खिलाना पड़ता है, तब जाके उनसे वो बात कर पाते हैं। अब वो उस चीज को पूरा करेंगे या नहीं करेंगे ये उनके ऊपर निर्भर करता है। तो हमारी जिंदगी तो इसी चीज में चली जाती है और हम कभी अपने ऐशोरा में घूमने फिरने के बारे में सोच ही नहीं पाते हैं। हमें चिंता लगी रहती है कि यहाँ से वो काम करवाना है, वहां से वो काम करवाना है, उस इंसान को फोन करना है, यार क्या जिंदगी है हमारी, कितनी बुरी किस्मत है। तो अचानक से एक भिखारी रास्ते में चला जा रहा था, भीख मांग रहा था। अब राय बहादुर साहब थे वो खड़े होकर खिड़की से देख रहे थे उस भिखारी को। वो कहने लगते हैं कि इससे अच्छा तो ये भिखारी है, दिन भर भिक्षा मांगता है, इसको कोई चिंता नहीं, किसी काम की चिंता नहीं, किसी फोन की चिंता नहीं, किसी से कुछ करवाने की जरूरत नहीं है, तो ये भिखारी कितना अच्छा है, भीख मांगता और खाता है और पड़ा रहता है, इसे किसी काम की फिक्र नहीं, तो कितना खुशकिस्मत है भिखारी। अब वो भिखारी कौन था? वो भिखारी वही था जो किसान के घर भी भिक्षा मांगने आया था, वो वही से गुजर रहा था भीख मांगते। अब आपने सोचा कि हम हमेशा दूसरों को समझते रहते कि ये तो खुश है, सारे गम तो हमें ही मिले हैं दुनिया में, सारे गमों का पहाड़ हमारे ऊपर ही टूटा हुआ है, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन दुनिया में किसी भी इंसान से आप मिल लो, कहीं पर भी जाकर देख लो, कोई ये नहीं बोलेगा कि सबसे खुश इंसान हम हैं, सब यही कहेंगे अरे यार हमें तो बहुत परेशानी है, बहुत चिंता है, बस सारा दिन हम परेशानियों में ही उलझे रहते हैं। तो ये मीनिंग नहीं है कहने का, खुशी अपने अंदर से आती है। आप सोचिए कि हमें भगवान ने इंसान बनाया है तो यही बहुत बड़ी बात है, हमें दो आंखें दी, दो हाथ, दो पैर, एक दिमाग दिया सोचने के लिए, ये सबसे ज्यादा बड़ी बात है। तो इसी चीज को लेकर आप खुश रहिए कि कम से कम हम जानवर तो नहीं है, हमें एक इंसान बनाया, सोचने समझने की शक्ति दी है परमात्मा ने, तो इन हाथ पैरों से और दिमाग से सोचते हुए हम सारे काम कर सकते हैं अपने, अच्छा खाना खा सकते हैं, अच्छे तरीके से पैसे कमा सकते हैं, बस ये सोचने की आपको जरूरत है, एक सोच ही आपको उलझा सकती है आपकी चिंताओं में। तो इसलिए सोच को बदलिए और एक खुश इंसान बनिए। खुश कोई नहीं होता, चाहे किसी के पास पैसा हो या किसी के पास ना हो, लेकिन अगर आप सोच से खुश हैं कि नहीं हम एक इंसान हैं बस इतना ही काफी है, तो वो चीज भी आपको खुशी दे सकती है। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।